आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोग को बताना चाहूंगा पूर्णिया जिला के लिए जो आप लोग का कार्यपालक सहायक का अभी जो एग्जाम डेट आ गया है, तो पूरा वीडियो देखिए, सभी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि संविदा के आधार पर यह जॉब है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने जो है ऑनलाइन अप्लाई किए थे, जो लास्ट डेट दिया हुआ था उससे पहले पहले जिन लोगों ने अप्लाई कर लिए थे उनके यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, और जिन लोगों का जो है यहाँ पे दोस्तों 59% यानी 69% से ज़्यादा है मैट्रिक में, उनको यहाँ पे जो है सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे टोटल स्टूडेंट जो है 364 स्टूडेंट को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया जिनका जो है कंप्यूटर टंकन परीक्षा आयोजित किया गया, यानी कि आप लोग का टाइपिंग एग्जाम होने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्लियर नहीं किया है कि हिंदी का होगा कि इंग्लिश का, तो फिर आप लोग जाइए दोनों का जो है तैयारी के साथ जाइए। ठीक है, और आप लोग का जो सेंटर होगा एग्जाम सेंटर जहाँ पर एग्जाम देंगे वहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पे समरालन है सभाघर पूर्णिया में आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा, और यहाँ पे एग्ज़ाम डेट देख पाएंगे 22/12/2018 को यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाले हैं, और 23/12/2018 को जो है दो एग्ज़ाम आप लोग को होने वाले हैं। अब आप लोग का एग्ज़ाम कैसे देखेंगे, चलिए आइए लिस्ट में नाम कैसे चेक करेंगे सभी जानकारी आप लोग को देते हैं। तो दोस्तों ये जो PDF आप लोग देख रहे हैं सामने, PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा आप लोग कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस PDF पे आने के बाद दोस्तों सबसे नीचे यहाँ पे आएंगे तीसरे नंबर पेज पे, तो यहाँ पे आप लोग जो है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एप्लीकेंट 2018 यहाँ पर आप लोग जो है अपना नाम देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अपना अपना नाम चेक कर लीजिएगा। नाम कैसे चेक करेंगे, बस आप लोग का नाम देखना है, जैसे नाम आपका मिल जाए, जैसे मिथिलेश कुमार, तो मान के चलिए हमारा ही है मिथिलेश कुमार एग्जाम्पल के तौर पर, तो हमारे पापा का नाम ये हो गया समझ लीजिए। फिर डेट ऑफ बर्थ मिलाएंगे, फिर यहाँ पे जेंडर मिलाएंगे, फिर यहाँ पे कैटेगरी, ठीक है, फिर मोबाइल नंबर देख लीजिएगा, और डिस्ट्रिक्ट भी इन्होंने इनका डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया ही है, और यहाँ पे देख लेंगे सारा चीज़ दिया हुआ कि डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पे जो है ब्लॉक है, फिर CBSE बोर्ड से इन्होंने दिल्ली से किए हुए हैं, यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ जो दोस्तों उनका जो मैट्रिक में प्रतांक है 500 का एग्ज़ाम होते हैं उनका, 475 जो उन्होंने लाए हैं, और यहाँ पे 95% बने। इसी तरह जो आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे आप लोग का जो एप्लीकेशन ID नंबर भी है, तो टोटल यहाँ पे अगर नीचे आएंगे तो आप लोग को मैं बता दूँ यहाँ पे 364 लोगों का यहाँ पे जो नाम आया है स्टूडेंट का। तो फिर ये जो सामने आप लोग देख पाएंगे 1024 जी लिखा हुआ, ये आप लोग का जो सीरियल नंबर है, जो आप लोग जो बेंच पे बैठेंगे वो सीरियल नंबर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ, मान के चलिए आपका जो यहाँ पे लिस्ट में नाम आ गया, आप लोग चेक कर लिए, अब आप लोग कैसे पता करेंगे आप लोग का एग्जाम कब है, तो ऊपर आ जाइए। ऊपर आ जाने के बाद आप लोग देख पाएंगे दो कॉलम दिया हुआ जो कि 22 तारीख का है, ठीक है, और यहाँ पे 23 तारीख का है। तो फिर मान के चलिए हमारा जो एप्लीकेशन ID नंबर यहाँ पे है, ठीक है, ये है, तो हमारा एप्लीकेशन ID नंबर ये है, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे हमारा जो एग्ज़ाम होगा 3 बजे से 3:30 बजे तक होगा, यानी आधा घंटा का जो है हम लोग का एग्ज़ाम होगा। तो फिर दोस्तों यहाँ पे जो है 3:30 से 3:30 बजे होगा जो कि 22 तारीख होगा, ठीक है, 22 तारीख को बहुत सारा एग्जाम। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, मान के चलिए ये जो कॉलम हो रहा है सभी कॉलम में 20-20 स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, एक दिन में जो 10 एग्जाम होने वाले हैं दूसरे दिन भी जो 10 एग्जाम होंगे, ठीक है, अलग अलग टाइम आधे घंटा का ही आप लोग का एग्जाम होगा। आप दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे, आप लोग अपना अपने एप्लीकेशन ID नंबर यहाँ पे देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा कब है, जैसे ही ये मिला लीजिए। अब मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग जो एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो फिर क्या सब लेके जाएंगे, यहाँ पे बताया हुआ है कि आप लोग को 30 मिनट पहले जाना है, आधा घंटे पहले, तो आप लोग एक घंटा पहले ही चले जाइएगा। और दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास परिचय पत्र या फिर आधार कार्ड, अन्य कागजात, सभी संबंधित कागजात की मूल प्रति एवं सअभाव प्रति छाया प्रति यानी फोटोकॉपी भी आप लोग के साथ ले जाना है। और दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपने साथ लाएंगे एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन ही उन्हें कंप्यूटर टंकन गति परीक्षा में जो है भाग लेने दिया जाएगा। जांच क्रम में यदि प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो उनका अभ्यर्थियों का समाप्त कर दिया जाएगी, यानी गलत अगर पाया जाए, यानी आप लोग डुप्लीकेट सामान, यानी दोस्तों अगर आप डुप्लीकेट ले जाए तो आप लोग मान्यता नहीं दिया जाएगा, आप लोग को जो है ऑरिजिनल ले जाना है, और आप लोग का जो है छाया प्रति यानी फोटोकॉपी ले जाना है। ठीक, अब मैं आप लोग को बताना चाहूँगा दोस्तों आप लोग PDF कैसे डाउनलोड करेंगे, तो आप लोग जो है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइए, यहाँ पर सर्च कीजिए purnia.nic.in, ये जैसे सर्च करेंगे गूगल पे ऐसा वेबसाइट पर आ जाएगा। वेबसाइट पर आने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे और आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे नोटिफिकेशन के नीचे जो ये जो नोटिस आई हुई है इसमें आप लोग को क्लिक करना है। चलिए इसमें क्लिक कर दिए, जैसे इसमें क्लिक करेंगे कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा, और फिर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर सारी चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ कि आप लोग का एग्जाम कब होगा क्या नहीं होगा सारी लिखा हुआ। उसके बाद दोस्तों ये जो PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जा रहा है डाउनलोड 7 MB का, इसमें क्लिक करके आप लोग जो है PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। हमने जो पहले से डाउनलोड कर लिए तो आप लोग को डायरेक्ट ओपन करके दिखा देते हैं, आप लोग देख पाएंगे यही PDF है। और दोस्तों कमेंट जहां आप लोग करते हैं वहां पे इस PDF का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों बस इतना ही था जानकारी देना था, जो कि फुल जानकारी आप लोग को दे दी, आशा करता हूँ आप लोग जो पूरी जानकारी से सहमत है। और यदि फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका, तो कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और दोस्तों मैं आप सभी लोग को बताना चाहूंगा इसी तरह जो आप लोग को जानकारी देते रहेंगे, इसलिए जुड़ जाइए हमारे साथ और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं और एक वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय।